तो सुबह हो गई है। जैसे मैं बोलती हूँ कि सुबह 8 बजे उठने के बाद मैं क्या क्या करती हूँ, वो आज आप सबको दिखाऊंगी घर में सुबह 8 बजे के बाद मैं क्या क्या करती हूँ। ठीक है, अभी चलो देखते हैं। बहुत सुबह हो गई है, 8 बजने 8 बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं। चलो जल्दी जल्दी काम कर लूँ, क्योंकि अभी सब दुकान से अब बिस्तर सही करके रख रही हूँ। अब बिस्तर रख जाए उसके बाद फिर झाड़ू मारने के लिए जाऊंगी। अब झाड़ू लेने के लिए गई हूँ, झाड़ू लेके आ रही हूँ। अब आगे वाले रूम से स्टार्ट करूँगी झाड़ू मारना। पंखा बंद कर दूँ उसके बाद झाड़ू मारना चालू करूँ। किचन में बर्नी वर्नी रखा है, उसको ले जाके पीछे वाले रूम में रख के आती हूँ, क्योंकि सुबह जाती हूँ तो एक बर्नी सब खाली करके लेके चली आती हूँ। उसको पीछे रख लूँ फिर झाड़ू मारना चालू करूँ। अभी लाइट चालू करूँ उसके बाद उजाला हो जाए तो। चप्पल पहनना भूल गई थी, अब चप्पल पहन लूँ पहले उसके बाद झाड़ू मारूँ। किचन में भी झाड़ू मारना है, थोड़ा सामान हटा दूँ फिर झाड़ू मारूँ। अब पूरा किचन से लेके पूरा मंदिर वाले रूम तक झाड़ू मार दूंगी। अब मंदिर वाले रूम में झाड़ू मारना मार रही हूँ। अब पूरा ले जाके पूरा पीछे गैलरी में तक निकाल दूंगी झाड़ू। थोड़ा बर्तन है उसको धो लूँ, सुबह और बर्तन धोई थी। बर्तन धो चुकी हूँ, बर्तन का सब पानी निकल जाएगा, उसके बाद बर्तन पोंछ के रख दूंगी। बहुत ज़्यादा बर्तन है क्योंकि इसके अंदर भी बर्तन है, इतने ही बर्तन नहीं, इसके अंदर भी बर्तन है। और गैस साफ करके पोछा लगाती हूँ। अब सब जगह पोछा लगाना है, आगे से लेके पीछे तक, फिर किचन से लेके मंदिर वाले रूम तक। अभी आगे वाले रूम में पोछा लगाई हूँ। अब आगे वाले रूम से खींचते हुए थोड़ा आगे तक लेके जा रही हूँ। पीछे वाले रूम में पोछा लगा रही हूँ। अभी सब कपड़े कुर्सी पे सुखा रहे हैं क्योंकि पानी बहुत बरस रहा है। अब किचन में पोछा लगा रही हूँ। अब किचन से पोछा मारते हुए पूरा लेते हुए पूरा पीछे वाले मंदिर तक रूम में पोछा लगाती रहूँगी। अब नहाने जा रही हूँ, नहाने के बाद मिलती हूँ। पूजा उजा हो गया है दोस्तों, चलो फ़ोन करती हूँ। 9:30 बज गए, अभी तक कोई आया नहीं है, पूछो किस लिए नहीं आया। चलो दोस्तों फ़ोन करती हूँ, देखती हूँ कितने बजे, 9:30 क्यों बज गया। हाँ केशव, अभी तक आया नहीं। आज बोले नाश्ता नहीं बनाना है, आज सब प्रोटीन पिएंगे। केकर ले आओ, केकर वाला पापा के लाओ जी। हम जब जब तू सारे पिया था तो हम वही पी ले ना। आज प्रोटीन पी के दिन निकाले के लागत दिन नहीं निकाले। अभी जिम जाता, जिम से होगा तब हमारे वाला का खिलाए रे। ये मेरा डब्बा है दोस्तों, मैं जब डाइट करूंगी तब मैं इसको लूंगी। अभी डाइट नहीं कर रही हूँ इसलिए नहीं ले रही हूँ। तोरे में से पी भाई, हम अपन काय खत्म करी। टचिंग नहीं बैठे हमारे, खत्म हो जाए तो जब मैं डाइट करूंगी तब लाए। ये इनका है देखो, मेरा पी रहे थे, मेरा स्कोप खत्म हो जाता था, चला पी लिया। चलो मैं अब खाना बनाने जा रही हूँ, क्योंकि अब ये सब जिम जाएंगे और मैं खाना बनाऊंगी, क्योंकि मैं जिम नहीं जा रही हूँ, जिम दिवाली के बाद जाऊंगी। अभी बहुत सारे फंक्शन, बहुत सारे सब आने वाले हैं, इसकी वजह से कई त्यौहार, अब सब घर साफ सफाई उसमें रजा होगा, सामान खरीदने जाना है उसमें रजा होगा, बहुत सारा काम करना रहेगा, इसलिए बहुत रजा होने वाला है। नवरात्रि आने वाली है 9 दिन की, फिर उसमें अगर कलशा उलसा बैठाएंगे फिर उसमें भी नहीं जा पाऊंगी, इसलिए बहुत सारे रजा की वजह से पहले से ही नहीं जा रही हूँ। देखो दोस्तों दाल चावल हो गया है, नहीं दिख रहा है, चावल दाल हो गया है। ये रोटी बनाने के लिए पानी गर्म कर रही हूँ, क्योंकि ज्वार की रोटी है उसको बनाना है। और ये आलू टमाटर की सब्जी बना रही हूँ, बनाते हुए नहीं दिखाया क्योंकि बनाने लगी तो फिर वीडियो कहाँ रखूँ, इसलिए वीडियो रखने की किचन में कहाँ रखूँ कि पूरा ऐसे लगे, क्योंकि इसमें थोड़ा नमक डाल देती हूँ और पानी को गर्म कर दिया है, दिखाया था। अगर वीडियो पूरा रोटी बनते तक दिखाऊंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा।
इसलिए हो सकता है तो वीडियो भगा भी सकती हूँ इसमें थोड़ा। और हाँ, काव्या की दादी वीडियो जरूर देखे, क्योंकि हमेशा बोलती हैं कि कैसे बनाती हो इस पे लोखन वाले तावे पे। ये देखो, ये देखो दोस्तों, यहाँ सलाद कट चुका है, अब सब खाना खाने जा रहे हैं। और सब खाना वाना खा लिए हैं दोस्तों, अब कपड़ा डाल दी हूँ क्योंकि सब लोग नहा वहा लिए हैं, मशीन चालू कर रही हूँ। दो बज गए हैं, अभी धीरे धीरे करके सब नहाए, इसलिए नूडल्स के लिए पानी रखी हूँ। अभी दुकान के लिए फोन आ गया है, नूडल्स बनाने जा रही हूँ। हम नूडल्स बना लूँ, उसके बाद फिर बर्तन वर्तन धो लूँ। फिर बाहर अभी पानी बहुत बरस रहे हैं, इसलिए पोछा भी नहीं लगाई हूँ बाहर, क्योंकि पानी बरस रहे थे। एक बार ये लोग सुबह आए, फिर जिम से आए, फिर उसके बाद मेरे भाई सामान लेके आए, पूरा उठला पूरा खराब हो जाता है। इसकी वजह से सुबह नहीं खाली झाड़ू मारती हूँ, पोछा भी लगाऊंगी। सब लोग अब अपने घर में रहेंगे, कोई बाहर ऊपर नहीं करेंगे बाहर अंदर, अब पोछा लगाऊंगी। इसलिए पोछा लगाऊंगी तो फिर एकदम साफ रहेगा सही से। चलो दोस्तों, अब आगे का आप लोगों को वीडियो देखते रहिए, कुछ आएगा। अब खाली घर का, आज खाली घर का है, मतलब सिर्फ घर में क्या क्या करती हूँ वो ये। हाँ, अकेली नहीं करती हूँ, मेरा छोटा वाला लड़का भी करता है। जैसे सब लोग खाना खा लिए तो बर्तन लेके आ गया, और सब लोग के लिए सलाद काट देता है, और सबको खाना अगर काट के दे देती हूँ तो पहुँचा देता है, ये सब कर देता है मेरा लड़का। दोस्तों आप सब देख रहे हैं, बारिश बहुत हो रही है, और देखिए देखिए कैसा है अभी। अब चल रही हूँ पोछा लगाने, क्योंकि सुबह लगा दूंगी ये लोग 10 बार खाँच के पूरा ख़राब कर देते हैं, इसलिए। 4 बज गए हैं, काम पूरा हो गया है, मतलब 4 बजे तक का काम पूरा हो गया है। अभी तो थोड़ा 1-1.5 घंटे मोबाइल में देखूंगी, किसी का ब्लॉग और कुछ भी, इंस्टाग्राम ये सब देखूंगी। और इसको उठा रही, राज जा अपन जा, 4 बज गए जा अपन बनवाओ जा। उनको उठा रही हूँ क्योंकि वो डाइट पे हैं, तो अपना पनीर वनीर बनाएंगे। पनीर वनीर वही बनाते हैं, मैं नहीं बनाती हूँ अपना, पता नहीं क्या क्या डालते हैं। 30 ग्राम इसको लेंगे, 30 ग्राम उसको लेंगे, 1 ग्राम ज़्यादा हो जाता है तो बोलते हैं मम्मी ज़्यादा हो गया, वजन कर करके खाना बनाते हैं। इसलिए अभी चल रही हूँ मोबाइल देखूंगी, कम से कम 1-1.5 घंटा तो देखूंगी। 4 बज रहे हैं, 5:30 बजे, अभी छोटा वाला भाई खाना खाने नहीं आया है, अभी आ जाएंगे तो उनको खाना दे दूंगी बस। उसके बाद फिर वही 5:30 बजे तक मोबाइल, कुछ नहीं। 5:30 बज गए हैं दोस्तों, चाय बन गया है, और चाय मैं नहीं बनाती हूँ, शाम का चाय रख, हाँ रखा। शाम लोग चाय पी सकते हैं, शाम का एक कप पी सकते हैं, मतलब शाम का चाय पूछना पड़ेगा ना, हमारे वीडियो चालू रहता है। ए राजन, मामा से इतना कम काहे बात है, मामा ने मेरे साथ गलत किया। रात हो गई है दोस्तों, मैंने 5:30 बजे तक का चाय दिखाया था, उसके बाद मैं मार्केट चली गई थी सामान लेने, मोबाइल चार्जिंग में लगाई थी इसलिए मार्केट में नहीं दिखा पाई। और अभी रोटी बना रही हूँ, ज्वार की पनीर की सब्जी बनेगी। अभी राजन शिमला मिर्च और सब अलग काट रहे हैं, उसके बाद पनीर की सब्जी बनाएंगे, सब्जी और रोटी बनेगा। ज्वार की रोटी 3 बनेगा, हम 3 जन खाएंगे, और रात को अपना अलग खाएंगे। उसके बाद सब खाना पीना खा लेंगे, 8:30 बजे तक हो जाएगा। उसके बाद लहसुन तलूंगी 9 बजे से 11 बजे तक, उसी में लहसुन तलते तलते इंस्टा पे लाइव भी आ जाऊंगी, इससे जल्दी हो जाएगा, लहसुन भी तल जाएगा और इस्टा पे लाइव। हाँ, लहसुन तलते हुए दिखाऊंगी, ठीक है आप लोग। दोस्तों लहसुन तलने जा रही हूँ, ये छिला हुआ लहसुन खरीद के आता है, अब इसको तलने जा रही हूँ। अभी बज रहे हैं 9:30। चलो दोस्तों, अब लहसुन तलने जा रही हूँ, कम से कम 11:30 या 12:15 बजे तक लहसुन तलाएगा। आप सब देख सकते हैं, मैंने आप सबको दिखाया 4 किलो जैसा लहसुन है, तलते तलते 11:45 तो बज ही जाएंगे, 12 भी बज सकते हैं जैसे तलाए। देखो दोस्तों, तलने के बाद ऐसी लाल लाल हो जाती है। और वीडियो यहीं तक की है, मैंने आपको सुबह से लेकर 8 बजे, मतलब जो उसके पहले का रूटीन मैंने और हर वीडियो में बताया हुआ है, और 8 बजे जो मैं उठती हूँ, 8:30 8 बजे जैसे भी उठ जाती, रात तो जल्दी उठी थी, इसलिए पूरा रूटीन मैंने आपको वीडियो में बता दिया है सुबह से। और हाँ,
खाना का भी बना बता दिया, खाना लेते समय नहीं क्योंकि बहुत लेट हो रहा था, जल्दी जल्दी खा के लहसुन तलना था, इसलिए सब खाने बैठ गए और जल्दी से खाना खा के फिर अपना बर्तन धो के फिर लहसुन तलने लगी। अभी लहसुन के लिए ये कढ़ाई जाएगी, ये जाएगी, उसके बाद फिर चटनी बनाएंगे और चटनी ये सब का वीडियो तो दिखाने वाली नहीं हूँ इसलिए। चलो दोस्तों, और हाँ, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, अच्छी लगे और अच्छी लगे तो कमेंट करना, उससे भी अच्छी लगे तो लाइक करना और अच्छी लगे तो शेयर करना, ठीक है। हाँ, बेल आइकन बटन जरूर दबा देना।